इस वीडियो में हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर 2/5 और -4/5 को नंबर लाइन पे। जैसा कि हम देख सकते हैं -4/5 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसलिए हमें नेगेटिव पार्ट भी बनाना पड़ेगा नंबर लाइन का। ओके, तो हम कंसिडर करेंगे -1 से 1, नंबर लाइन का -1 से 1 तक का पोर्शन हम कंसिडर करेंगे। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, द रैशनल नंबर दिया गया है जो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो है 2/5 एंड -4/5, यानी दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो है 5। इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर 5 है तो जो दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है नंबर लाइन पे, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हम -1 से लेके 0 तक का जो डिस्टेंस है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इस तरह कुछ डिस्टेंस। ओके, 0 को हम लिख सकते हैं 0.5, 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/5, डिनोमिनेटर 5 था इसलिए हमने 1 को 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिला 5/5। तो -4/5 0 के लेफ्ट साइड होगा। नेगेटिव रैशनल नंबर्स की मार्किंग इस तरह की जाएगी, -1/5, -2/5, -3/5। जैसे इंटीजर्स को लिखा जाता है नंबर लाइंस पे, सेम उसी तरह नेगेटिव रैशनल नंबर्स को भी लाइंस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.5, -1/5, -2/5 लेफ्ट साइड में आएंगे और 1/5, 2/5, 3/5 इस तरह वो 0 की राइट साइड आएंगे। तो 4/5 आएगा इस लेफ्ट साइड 0 के और 2/5 आएगा 0 के राइट साइड। तो हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं नंबर लाइन के, उसके डिस्टेंस को हमने उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर अकॉर्डिंगली रैशनल नंबर्स हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक और क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11, सभी रैशनल नंबर्स हैं, उन्हें आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।